दुष्यंत जी की जो मैं गल करा कि समझते कि कितने दिक्कत कितने आ रही है कितने क्यों नहीं की मजबूरी की है कि वह किसानों के नाल नहीं खड़े हो रहे बीजेपी को समर्थन दिता हो मजबूरी उन्होंने लालच है जिहड़ा अज इस लालच के सरकार के बैठा है कि भाई अब जिन्ना माल तुसी तोड़ सकते हो जिन्ना माल तुसी ले सकते हो ले लो क्योंकि इस तो बाद लोगों ने तुहानू दोबारा कभी भी विधायक नहीं बनाना। बीजेपी जिहड़ी पार्टी है इन्होंने सब तो पहला बड़े चोई साहब की फोटो अपने झंडे के उत्ते ला के उन्होंने नाम का बड़ा मिसयूज किया है। थोड़े वड्डे भरा ने दुष्यंत जी बचपन के इकट्ठे खेलते रहे होंगे कदे नहीं लग्या कि सारे जिहड़े आपसी जिहड़े तकरार ने या आपसी जिहड़े विरोध ने वो खत्म करके समझा के उन्होंने भी मनाना चाहिए। यह सारी गल्लां तां ही हो सकदियां ने जदों दोनों पक्षां दे विच भई कोई अग्रीमेंट होवे कि भी असीं मिल के काम करना है। उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया कि भी असी लड़ाई जी लड़नी है सरकार च बैठन की लड़नी है। उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया भी असी तो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़नी है असी किसानों की लड़ाई नहीं ली तो पोलीटिकल डिफरेंस इन्ने बन गए हैं कि भी हुण जिहड़ा तुसी कह रहे हो कि भी कोई गलबात हो सकती है उस गलबात का कोई फायदा नहीं समय के कोई अलायंस तो नहीं हो सकता भी जोड़ा भी किसानों के नाल है जोड़ा भी इस भाजपा सरकार तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ है उस असं गल कर सकते हैं अलायंस आने वाले समय के एनएलओ तो अकाली दल मैं जी तुम गल कही जोड़ा भी किसानों के नाल है इस बीजेपी सरकार के खिलाफ है तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है वो असं गल कर सकते हैं। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शशम नागरा स्वागत करना। दोस्तों जो हरियाणा की गल करिए चौधरी देवी लाल एक वड्डा नाम है तो उन्होंने परिवार की जी अगे गल करिए ओम प्रकाश ओम प्रकाश जी दे अगे दो बेटे ने अभय चौटाला तो अजय चौटाला इस वक्त किसानी अंदोलन चल रहा है तो इस चीज़ को लैके वैसे तो अक्सर ही ये परिवार चर्चा का विषय बनया रहा है पर इस किसानी अंदोलन के भी ये परिवार खास तौर पर चर्चा का विषय बनया हुआ है जिथे दुष्यंत चौटाला तो अजय चौटाला बीजेपी के नाल समर्थन करके जिन्हों वालों बीजेपी पार्टी वालों जिन्हों वालों ये किसान जिहड़े बिल ने कानून ने वह लागू किए गए ने उन्हों का हिस्सा ने तो दूसरे पास अभय चौटाला जो इन कानून के विरोध के अस्तीफा दे देते हैं तो लगातार किसानों के हक के आए ने तो इस वक्त मेरे नाल उस परिवार के हिस्सा उस परिवार के सदस्य मौजूद ने देवी लाल जी के पड़पोता तो ओम प्रकाश जी के पोता जी अर्जुन जी इस वक्त मेरे नाल मौजूद ने। अर्जुन जी थोड़ा सब तो पहला स्पोक्समैन से स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह मैं स्टार्टिंग दे विच गल की कि चर्चा का विषय बनया हुआ है वह भी देवी लाल जी का परिवार है तो तुसी भी देवी लाल जी दे पर विचारक मतभेद ने क्यों देखो तुसी सब तो पहले एक चीज़ देखो भी परिवार एक होने का मतलब नहीं है कि भी सारिया का जिहड़ा भी सारिया की जिहड़ी सोच है वो एक पासे होवे। साडे परिवार दे विच होर भी मैंबर रहे ने जिहड़े कभी कांग्रेस दे विच हुंदे सी जिहड़े हुण कई इंडिपेंडेंट ने कई पहलां तो बीजेपी दे विच ने ते असी एक चीज़ मनदे आ कि भी पोलीटिकली जिहड़ा भी बड़े चोई साहब की दी हुई राह दे उत्ते नहीं चलता पोलीटिकली जिहड़ा भी बई बड़े चोई साहब जन्ना एक चौधरी देवी लाल दे उसूलां दे नूं फॉलो नहीं करता भई वह उन्हां दा कभी वारिस नहीं हो सकता तो वह कभी किसान हितेशी नहीं हो सकता। आ जिहड़ी तुसी पार्टी की गल करते हो जेजेपी जिहड़ी पार्टी है इन्हां ने सब तो पहला बड़े चोई साहब की फोटो ਨੂੰ अपने झंडे के उत्ते ला के उन्होंने नाम का बड़ा मिसयूज़ किया है। इन्होंने किसानों बुखला के भी आ चीज़ कही सी कि भी असी तो उन्होंने दे उसूलों च उसूलों के उत्ते चलने वाले लोग हाँ पर जिन्हें चौधरी साहब थोड़े ने उन्ने ही उन्होंने ने जिन्हें साढ़े ने उन्ने ही उन्होंने ने लेकिन मैं तुम्हें एक गल कह रहा कि भी जेड़ा किसानों की हक की लड़ाई लड़ता है उ ही उन्हों का सच्चा वारिस है। वड्डे चोई साहब का आज के दिन हरियाणा के विचों जे कोई सच्चा वारिस है वह सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश के किसान ने। उन्होंने अपनी सारी जान तो सारी जिंदगी किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है तो जेड़े इस प्रदेश के किसान है उ ही उन्होंने सच्चे वारिस ने। जिहड़ा किसानों के नाल है उस उन्हां दी लेगेसी नूं अगे बढ़ाउण दा हकदार भी है पर जिहड़ा किसानां दे खिलाफ़ है वह कभी भी उन्हां दी लेगेसी नूं अगे बढ़ाउण दा हकदार नहीं बन सकता क्योंकि तुहानूं भी पता है तो सारे देश नूं पता है कि किसानां दे लई उन्होंने जिंदगी पर संघर्ष किया है। तो इस करके मैं कह रहा जिहड़े भी अज बीजेपी दी गोद दे जाके बैठे हुए ने वह कभी भी उन्हां दा नाम यूज़ नहीं कर सकता। जिहड़े लोग करदे ने उन्हां दा नाम यूज़ नहीं कर रहा उन्हां दे नाम नूं खराब करन दी कोशिश कर रहा है। अज होस्पिटल खोलिया गया है नहीं लगता कि थोड़ी देरी हो गई है इस होस्पिटल खोलने के या फिर ये कह लो कि किसान अंदोलन की मजबूती नू देखते हुए
इनू जन अंदोलन बनते हुए देखते हुए जे इनैलो बिच कुद के कोई लाहा लैन की कोशिश कर रही है। तुसी एक चीज़ वेखो, साढ़े जेरे पार्टी के कार्यकर्ता ने 28 नवंबर तो इस अंदोलन के शामिल ने। आज जिहड़ा इत्थे पार्टी का दफ्तर है साडा, वह पहले दिन तो जिहड़े भी इत्थे अंदोलनकारी आए ने, जिहड़े भी इत्थे अंदोलन दे ते बाकी जिहड़े भी किसान है, उन्हां दी सेवा पाणी फर्स्ट डे तो इत्थे चल रही है। तुहाडा किन्नवां चक्कर है? मेरा हुण हो गया जी, यह छठा चक्कर हो गया सिंघू बॉर्डर के उत्ते। सब तो पहला जी इत्थे मेरे फादर साहब आए सीगे, ते मैं ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर का काफिला लेके मैं उस समय आया सीगा, लगभग 2-1.5-2 महीना पुरानी गल है। उस तो पहला जदों कानून अंदोलन शुरू होया सी, उस समय जी मेरी आप दी शादी हुई सी। शादी करके सब तो पहला जिहड़ा मैं कदम उठाया सी, वो मैं मेरे घर तो मेरा आपदा ट्रैक्टर लेके, मेरा आपदा ट्राला लेके, साडी किन्नू दी खेती है, ट्राले दे विच किन्नू भर के मैं इत्थे बॉर्डर दे उत्ते लेके आया सी, शाहजहाँपुर बॉर्डर लेके गया सी, ते नाल उन्हां दे लई राशन लेके गया सी। मैं कोई पार्टी का झंडा नहीं लाया सी, ना मैं किसी पार्टी वाले नूं अलग नूं जाके कहा सी कि भी असी कोई काफिला बना के जाना है या कुछ भी करना है। एक किसान होण दे नाते, किसान का बेटा होण दे नाते, उस करके मैं उत्थे ट्रैक्टर ट्राला लेके गया सी। अज तां इस जे मैं गल करां इस होस्पिटल दे बाहर जिहड़ी एडवरटाइजमेंट कीती हुई है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए ने, पार्टी के भी लगे हुए ने, अभय जी दे भी लगे हुए ने, उहदा की कारण है फिर? देखिए पार्टी का जिहड़ा तुसीं पोस्टर वेख रहे हो, साडा पार्टी ऑफिस हुंदा सी, ते पार्टी ऑफिस दे विच तुहानूं पार्टी दे पोस्टर लब्भणगे, पर जिथे भी होस्पिटल की पोस्टर की गल आती है, तुसीं एक बार पोस्टर नूं अच्छी तरह विखायो भी पोस्टर के उत्ते एक भी तुहानूं जे पार्टी का कोई मिले या नॉन किसान तुहानूं कोई भी एक भी तुहानूं चेहरा मिले, वो जिहड़ा पोस्टर लगे उत्ते तुसीं वेखो, कोई भी तुहानूं पार्टी की इस दे उत्ते कोई गल नहीं मिलनी। किसान होस्पिटल के नाम के उत्ते असीं इह होस्पिटल नूं चलाए, ते जिन्ने भी इत्थे किसान है पीछे भावें वो किधर का भी किसान हुए, उन्होंने लिए फ्री इलाज का असं कम करते हैं। एक युवा नेता हूँ दुष्यंत जी की, जो मैं गल करा कि समझते क्यों, कितने दिक्कत कितने आ रही है, कितने क्यों नहीं, की मजबूरी की है कि वह किसानों के नाल नहीं खड़े हो रहे, बीजेपी को समर्थन दिता हुआ है? उन्हों की मजबूरी उन्होंने लालच है, जोड़ा अज इस लालच के सरकार बैठा है कि भाई अब जिन्ना माल तुम टोर सकते हो, जिन्ना माल तुम ले सकते हो ले लो, क्योंकि इस तो बाद लोगों ने तुम्हें दोबारा कभी भी विधायक नहीं बनाना। हुण तुसी किसी भी हरियाणा के पत्रकार के नाल तुसी गल करो, हरियाणा के मैनू नहीं, तुसी हरियाणा के किसी भी आदमी तो पुछो, वो तुम्हें एक ही चीज़ कहेंगे कि भी एक बार लोगों ने इन्हों मौका दिता है, पर इन्होंने इन्ना वड्डा धोखा किया किसानों के नाल कि कभी भी इन्हों दोबारा मौका नहीं दे सकते। तो उन्हों की तो आप जिनी गल करिए, जिनी कम गल करिए, उन्ना ही चंगा है, क्योंकि यह लोग जोड़े है जी JJP पार्टी है, इस पार्टी ने जल्दी खत्म हो जाना है। थोड़े वड्डे भरा ने दुष्यंत जी, बचपन दे विच इकट्ठे खेलते रहे होंगे, कदे नहीं लग्या कि सारे जिहड़े आपसी जिहड़े तकरार ने या आपसी जिहड़े विरोध ने वो खत्म करके समझा के उन्हां नूं भी मनाना चाहिए, या जिहड़े भी मुद्दों नूं लैके उन्हां नूं बैठ के गल की जाए तो इकट्ठे होकर चलिया जाए, मजबूती बने? देखो यह सारी गल्लां ताई हो सकदियां ने जदों दोनों पक्षां दे विच भई कोई अग्रीमेंट होवे कि भी असीं मिल के कम करना। उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया सी कि भी असी लड़ाई जे लड़नी है, सरकार च बैठन दी लड़नी है, उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया सी भी असी तो मुख्यमंत्री दी लड़ाई लड़नी है, असी किसानों दी लड़ाई नहीं ली। तो पॉलिटिकल डिफरेंस इन्ने बन गए ने कि भी हुण जिहड़ा तुसीं कह रहे हो कि भी कोई गलबात हो सकती है, उस गलबात का कोई फायदा नहीं। इन्हां ने किसानों के नाल इन्ना वड्डा धोखा किया, इन्हां ने परिवार के ते पार्टी के नाल इन्ना वड्डा धोखा किया सी कि भई उन्होंने अपनी राजनीति भी वक्ख कर ली, अपना परिवार भी वक्ख कर लिया, तो उन्होंने अपने जिहड़े असूलों च वो चलते सीगे वो भी न्यारे कर ले। पहल नहीं की गई कि मनाया जाए या तुसीं एक चीज़ घर उन्हां नूं कहा जाए कि घर वापसी करो? घर वापसी नहीं, तुसीं एक चीज़ देखो, साढ़े बादल साहब के नाल बड़े पुराने लिंक ने, उन्होंने भी गल की सी, ते हरियाणा की जिहड़ी भी खाप पंचायतों ने सारे ने गल की सी, पर हुण इस गल नूं 2 साल हो गए, तो वो जिहड़े लोग बैठे ने JJP दे विच बड़े नॉन सीरीयस ते नॉन पोलिटिकल लोग ने, इन्हां नूं फर्क नहीं पड़ता कि भी लोग तुहाडे बारे की सोचते हैं, जिहड़े सारी हरियाणा की जनता दे नहीं सुन रही वो साडी की सुनू, तो सानू तो चाहिए भी नहीं वो वापस। तुसीं बादल साहब का जिक्र किया, वड्डे बादल साहब इस मुद्दे नूं लैके कितें चुप ने, इहदा भी की कारण है? तुसीं एक चीज़ देखो, वड्डे बादल साहब चुप नहीं ने, सब तो पहला जे किसी भी पार्टी ने BJP नूं इहदा हाथ किसी भी स्टेट पार्टी ने जे BJP नूं छड्डिया सी वो अकाली दल सीगी। सब तो पहला जी उन्हां दे परिवार ने इस ते अकाली दल ने सब तो पहला भई भारतीय जनता पार्टी के नाल जिहड़ा गठबंधन सीगा उन्हूं भी खत्म करता, ते नाल जिहड़े उन्हां दे कोल पद सीगे वो पदां तो भी इस्तीफा दिता। पर जे किसानां दी गल करिए तां किसानां दा नाराजगी श्रोमणी अकाली दल दे नाल भी है या होर जिहड़ियां भी पार्टियां ने, उन्हां दा इह कहना है कि पहला कित्थे सीगे, पहला क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई, बाद दे विच जदों देखिया कि मजबूत हो रहा है, अंदोलन शुरू हो रहा है, तां उदों क्यों, इह सवाल ने लोकां दे।
वो तो तुसी लोकां तो पूछो जी, मैं तो हरियाणा दा, तुसी मेरे नाल हरियाणा दी गल करो ते पंजाब दे लोकां तुसी क्या है ते तुहाडे खास ने? नहीं, साडे परिवारिक लिंक ने, पर बई जिहड़े भी वो प्रदेश दे विच पोलिटिकली आप दे एक्शन लैंदे ने उस दे दोस्तों साडा कोई रिलेशन नहीं, साडे तो परिवारिक रिलेशन ने। आने वाले समय दे विच कोई अलायंस तो नहीं हो सकता भी? जिहड़ा भी किसानां दे नाल है, जिहड़ा भी इस भाजपा सरकार ते कांग्रेस सरकार दे खिलाफ है, उस दे नाल असीं गल कर सकदे हां। हो सकदा है अलायंस आने वाले समय दे विच इनैलो ते अकाली दल। मैं जिहड़ी तुहानूं गल कही सी, जिहड़ा भी किसानां दे नाल है, इस बीजेपी सरकार दे खिलाफ है ते कांग्रेस पार्टी दे खिलाफ है, उहदे नाल असीं गल कर सकदे हां। है गुंजाइश है कि तुहानूं की कहता असीं गल कर सकते हैं? हाँ, तो फिर वही तो मैं कह रहा, जिहड़ा भी किसानां दे नाल है, भी बीजेपी दे खिलाफ है, कांग्रेस दे खिलाफ है, उन्हां दे नाल आपां गल कर सकते हैं। सो ये सन अर्जुन चौटाला जी, जिन्हां दा ये कहना है कि आने वाले समय दे विच हो सकता है कि श्रोमणी अकाली दल दे नाल अलायंस कर सकन, क्योंकि इन्हां दा ये तर्क है कि वह किसानां दे हक दे विच ने ते बीजेपी दे खिलाफ दे ने। सो इन्हां शब्दों के नाल थोड़े तो आगे लैंदे आ, तुसीं देख रहे सी रोजाना स्पोक्समैन, कैमरे के पिछे मेरा साथ दिता मेरे सहयोगी करण बसरा ने, मैं शशम नागरा, धन्यवाद।